हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से। आज हम देखेंगे नाइट केयर रूटीन। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट किया, मुझसे पूछा कमेंट्स में कि आप अपना स्किन केयर रूटीन बताइए। तो मैंने सोचा कि इसे सेगमेंट में करते हैं। पहले मैं नाइट केयर रूटीन बना रही हूँ, फिर मैं डे केयर रूटीन भी बनाऊँगी। अलग अलग सीजन से भी आपका स्किन केयर रूटीन चेंज होता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग भी बनाऊंगी। अभी मैं जो नॉर्मल आप नॉर्मल डेज पे आप नाइट केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, मैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्लीनिंग पे ध्यान देंगे। तो क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल। ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है, पैराशूट का। इससे आपका पूरा मेकअप निकल जाता है और आपको कोई भी हार्श केमिकल वाला क्लिंजर या मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करना पड़ता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये मैं हाथ में लेकर इसे पूरी अच्छी तरह से मसाज करूँगी स्किन में। हमें क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है। और अब इसे मसाज करना अच्छे से स्किन में। और आपका कितना भी ये वाटरप्रूफ मेकअप भी हो, लाइनर हो, काजल हो, ये सब निकल जाएगा इससे, इसलिए ये मुझे बेस्ट लगता है। अब ये मैंने कर लिया। अब हम इसे टिश्यू लेकर वाइप करेंगे। आप चाहें तो आप एक बार और क्लीन कर सकते हैं पूरा श्योर होने के लिए कि पूरी तरह मेकअप निकल गया है या नहीं। ये देखिए, ये इतना सारा मैंने बीबी क्रीम लगाई थी, मैंने मस्कारा लगाया था, तो वो पूरा निकल रहा है। इस तरह दिख रहा है इतना सारा मेकअप, जबकि मैंने सिर्फ बीबी क्रीम लगाई थी। सीरियसली मैंने इतना सारा मेकअप नहीं लगाया था, फिर भी। आई मेकअप भी पूरा निकल गया, मैंने मस्कारा लगाया था हल्का सा, तो वो भी निकल गया है। अब आप पूरे श्योर हो जाएं कि ये निकला है या नहीं। वैसे तो हमको रात को इतना वक्त नहीं होता है, इतना टाइम मिल जाए कि हम पूरा सारा मेकअप निकाल के सो जाएं, तो फिर कितनी अच्छी होगी हमारी स्किन। बट मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो मैं ये मेकअप रिमूविंग वाइप ये स्लिया की है, आप ज़रूरी नहीं है आप इसी की मेकअप वाइप यूज़ करें, रिमूवर वाइप आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ओपन करके मैं एक बार अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। अब अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप स्क्रब में जाएंगे। वैसे मैं स्क्रब हमेशा मॉर्निंग में करती हूँ, अभी मैं सिर्फ क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करके सोती हूँ रात को। अब मैं टोनिंग के लिए गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ, मैंने इस तरह इस बॉटल में रखा है, तो ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है और बहुत इजी टू यूज़ है। इसे सिर्फ ओपन करना है और ये हो गया। गुलाब जल बहुत अच्छा टोनर होता है आपकी स्किन के लिए, ये पीएच बैलेंस करता है आपकी स्किन में। इसे अब थोड़ा ड्राई होने देते हैं और उसके बाद मैं मॉइस्चराइजिंग बताऊँगी। पर हमें स्किन का केयर ही नहीं करना, हमें आईब्रोज, आईलैशेस और लिप्स का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए मैं पेट्रोलियम जेली यूज़ करती हूँ। अभी लिप बाम तो हम दिन भर लगाते हैं, उसमें थोड़ा कलर टेंट भी होता है, इसलिए मैं पेट्रोलियम जेली यूज़ करती हूँ ये लिप्स में। और ये आईब्रोज पे भी, इससे आपकी आईब्रोज बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। और मैं लैशेस में भी अच्छी तरह से
लगा कर सोती हूँ, क्योंकि हम बहुत मस्कारा लगाते हैं, लैशेस को नरिशमेंट नहीं मिल पाता, उनको प्रॉपर जो फूड है ग्रो करने के लिए वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ एक्स्ट्रा उन्हें नरिशमेंट दें। अगर आपकी लैशेस ग्रो नहीं कर रही है तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप ज़रूर से चेक करें। ये हो गई मेरी लैशेस मॉइस्चराइज। अब स्किन मॉइस्चराइजिंग पे चलते हैं। अब मेरा गुलाब जल काफ़ी हद तक सूख गया है, हल्का हल्का बचा हुआ है थोड़ा, पर चलता है, वो अब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा, ड्राई हो जाएगा। हमें लेना है बादाम ऑयल, ये 100% बादाम ऑयल है, ये हमदर्द का, ज़रूरी नहीं है आप इसका लें, आप डाबर का भी ले सकते हैं, बट एक चीज़ बहुत ध्यान में रखें कि आप 100% प्योर ऑयल लें, कोई भी फ्लेवर नहीं लेंगे। अब मैं सिर्फ इसे एक बार इस तरह करती हूँ, ये जितना अमाउंट आता है उसमें मैं विटामिन ई जो टैबलेट होती है ये इसे मैं मिक्स करूँगी। तो वो जो मैंने ऑयल लिया उसमें मैं सिर्फ एक ड्रॉप ले रही हूँ, ये मुझे पूरे स्किन में हो जाता है, पूरे फेस में। ये दोनों को मैंने मिलाया, कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, ज़्यादा लिक्विड नहीं है। अब मैं इसे अच्छी सी मसाज करूँगी स्किन में, इसे आँखों के नीचे भी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी नाइट क्रीम का भी काम करता है, अंडर आई क्रीम का। और जब तक पूरा ऑयल अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन में, तब तक आप इसे मसाज करें। और अब सो जाएंगे। मैं नाइट क्रीम के लिए मुझे बेस्ट यही लगता है आलमंड ऑयल और विटामिन ई, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत नरिश लगेगी आपको सुबह जब आप उठेंगे आपकी स्किन। तो इतना ही है मेरा नाइट रूटीन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पे स्टिक करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।